इधर एक बड़ी खबर आ रही है, तालिबान की मदद करेगा यूरोपियन यूनियन। ये बड़ी खबर है, तालिबान शासन को 1 बिलियन यूरो का पैकेज ईयू की तरफ से दिया जाएगा। ईयू ने मानवीय आधार पर सहायता का फैसला किया है। तो तालिबान जो पैसों के लिए लगातार तरस रहा था, पाई पाई का मोहताज था, अब उसके लिए अच्छी खबर है, यूरोपियन यूनियन की तरफ से मदद की जाएगी और मानवीय आधार पर कहा जा रहा है कि ये मदद जो है ये की जाएगी। तो बड़ी खबर एक बार फिर आपको बता दें, बड़ी राशि तालिबान को मिलेगी। यूं तो अफगानिस्तान के हालात पहले से ही खराब थे, लेकिन तालिबानी कब्जे के बाद लोगों की समस्याएं और बढ़ी हैं। डूबती अर्थव्यवस्था, बढ़ती गरीबी, बेरोजगारी और भूखमरी की वजह से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे हालात में अफगानी लोगों की मदद करने के लिए यूरोपियन यूनियन ने बढ़ चढ़ कर तालिबान शासन की ओर सहायता का हाथ बढ़ाया है। यूरोपीय यूनियन ने ऐलान किया है कि वो अफगानिस्तान को 1 बिलियन यूरो की मदद करेगा, ताकि वहां मानवता पर आई संकट और खराब होती अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाया जा सके। राहत पैकेज का इस्तेमाल अफगानिस्तान के हेल्थ सिस्टम को सुधारने के साथ आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में किया जाएगा।